मिहिर अपनी चाय के सभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में बिजी हो जाता है। ललित ने मिहिर को इस तरह साइन करते देखकर आरती से कहा, मिहिर सर कितने खुश लग रहे हैं ना। आरती ने ललित की बात सुनकर हां में सिर हिलाते हुए कहा, हां सर किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेते और सारी प्रॉब्लम को बिल्कुल रिलैक्स होकर हैंडल कर लेते हैं। पर हां मिहिर सर हार्ड वर्क भी बहुत करते हैं। देखो हमारी ब्लैक माउंटेन टी को ये जो इतने सारे ऑर्डर मिले हैं ना, ये सब मिहिर सर के हार्ड वर्क से ही मिले हैं। ललित ने आरती की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यस यू आर राइट, और सर को इतना खुश देखकर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। ललित और आरती आपस में बात कर रहे थे कि तभी मिहिर ने उन दोनों को बातें करते देखकर कहा, आप दोनों बस खड़े होकर बातें ही करते रहेंगे या इधर आकर मेरे काम में हाथ भी बटाएंगे। मिहिर की बात सुनकर ललित और आरती दोनों मिहिर के पास जाते हैं और उसके पास की रखी फाइल को उठाकर देखने लगते हैं। उधर धरा वर्कशॉप से निकलकर अपने घर पहुंची और डिनर करने के बाद दादी को दवा देकर सुला दिया और वहीं दादी के पास बैठकर ऋषभ के बारे में सोचने लगी। ऋषभ की मॉम कितनी अच्छी है, पता नहीं क्यों ऋषभ के डैड ने ऋषभ की मॉम के साथ ऐसा किया। धरा सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि धरा की आंखों के सामने बार बार ऋषभ का चेहरा आ रहा है। तभी धरा दादी के कमरे से बाहर निकलती है और ऋषभ के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। धरा ने ऋषभ का नंबर अपने मोबाइल फोन में डायल किया और उसे कॉल करने लगी। तभी धरा के मन में हिचकिचाहट हुई। अरे नहीं, ये मैं क्या कर रही हूं, इस तरह इतनी रात में ऋषभ को कॉल करना क्या ठीक रहेगा। धरा खुद को ऋषभ के पास कॉल करने के लिए रोकना चाहती है लेकिन धरा को इस टाइम ऋषभ की बहुत याद आ रही है और धरा खुद को रोक नहीं पाती और वो ऋषभ के पास कॉल कर देती है। ऋषभ तुरंत ही धरा का कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो आप कौन। धरा ने ऋषभ की आवाज सुनकर पहचान लिया और ऋषभ की बात का जवाब देते हुए कहा, ऋषभ क्या तुम सो गए थे। ऋषभ ने जैसे ही धरा की आवाज सुनी वो तुरंत धरा की आवाज पहचान गया और ऋषभ ने घबराते हुए पूछा, हां मैम आपने मुझे इस टाइम कॉल किया, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, और दादी उनकी तबीयत तो ठीक है ना। धरा ने ऋषभ को अपने लिए इतना परेशान होते हुए देखकर कहा, रिलैक्स ऋषभ, किसी को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं और दादी भी बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली दादी सो गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे काम को लेकर थोड़ी बात कर लूं। ऋषभ ने धरा की बात सुनकर कहा, हां मैम बताइए ना क्या बात करनी है आपको। धरा ने ऋषभ की बात सुनकर अपने मन में सोचा, अरे मैंने ऋषभ से कह तो दिया कि मुझे काम को लेकर कुछ बात करनी है लेकिन मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं ऋषभ से क्या बात करूं, उससे क्या पूछूं। कुछ देर शांत रहने के बाद धरा ने ऋषभ से कहा, अब सॉरी मैंने इतनी रात में कॉल करके तुम्हारी नींद खराब कर दी, तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम जाओ सो जाओ। ऋषभ ने धरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैम आप परेशान मत होइए, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, वैसे भी मैं काफी लेट सोता हूं, आपको जो भी बात करनी है आराम से करिए। धरा ने जैसे ही ऋषभ की बात सुनी धरा ने ऋषभ से पूछा, आंटी क्या कर रही है ऋषभ। ऋषभ ने धरा को जवाब देते हुए कहा, मम्मी तो अभी अभी सो गई है। धरा ऋषभ की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई क्योंकि धरा को समझ में नहीं आ रहा है कि धरा ऋषभ से और क्या बात करे। तभी धरा को इस तरह चुप देखकर ऋषभ समझ गया कि धरा के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ऋषभ ने कहा, क्या बात है मैम, क्या सोच रही हैं आप। ऋषभ की आवाज सुनकर धरा ने कहा, कुछ नहीं। ऋषभ धरा की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और तभी धरा से ऋषभ ने कहा, वैसे मैम आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही, किसी बात को लेकर आप परेशान है क्या। धरा ने ऋषभ की बात सुनकर कहा, हां वो एक्चुअली ऋषभ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऋषभ ने धरा की बात का जवाब देते हुए कहा, हां पूछिए ना मैम आपको क्या पूछना है। धरा के मन में ऋषभ को लेकर उसकी फीलिंग बढ़ती ही जा रही है और इससे पहले कि धरा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे उससे पहले धरा ऋषभ की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती है, इसलिए धरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ऋषभ से कहा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है ऋषभ, प्लीज तुम बुरा मत मानना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ऋषभ धरा की बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी धरा ने देखा ऋषभ उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दे रहा तो धरा ने अपसेट होते हुए कहा, आई एम सॉरी
आई नो मुझे तुमसे इतना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। धरा इतना बोल ही रही है कि ऋषभ ने अपने मन में सोचा, ये धरा मैम को अचानक से क्या हो गया है? पहले तो इन्होंने इतनी रात में कॉल किया और ऊपर से ये अब मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है। धरा मैम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? जब धरा ने देखा कि इतना बोलने के बाद भी ऋषभ उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा तो धरा ने कॉल कट कर दिया और फोन अपने बेड पर रखते हुए धरा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ नो, ये मैंने क्या किया? आई थिंक मुझे इतना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था और ऋषभ ने मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। इसका मतलब ऋषभ की कोई गर्लफ्रेंड है, और भला होगी भी क्यों नहीं, वो इतना हैंडसम जो है। मुझे इतनी रात में ऋषभ को कॉल ही नहीं करना चाहिए था। ओ गॉड, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ऋषभ को इस टाइम कॉल करके। धरा फोन कट करके काफी उदास हो गई और चुपचाप अपने बेड पर लेट गई। और उधर ऋषभ धरा के अचानक कॉल कट कर देने की वजह से धीमी आवाज में बोला, ये मैम को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। क्या मैं जो सोच रहा हूं कहीं वो सच तो नहीं? अब तो उन्होंने कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या करूं, मैं कॉल बैक करूं या नहीं? ऋषभ काफी हैरान हो गया, लेकिन तभी ऋषभ ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, धरा मेरी मैम है और मैं उन्हें कॉल बैक नहीं करूंगा। आई थिंक अब मुझे सो जाना चाहिए और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मिहिर जब अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके टी स्टॉल से बाहर निकला, रात के 10:30 बज रहे हैं। मिहिर ने टाइम देखते हुए कहा, ओ नो, 10:30 बज गए हैं, मैं आधा घंटा लेट हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं हॉस्टल जा पाऊंगा। एक काम करता हूं, जुहू वाले विला चला जाता हूं और अपनी वाइफी से भी मिल लूंगा। वैसे भी वो आज टी सेंटर में आई नहीं है। मिलकर उसे सरप्राइज दूंगा कि हमें कितने सारे ऑर्डर मिले। अपनी वाइफ ही भी खुश हो जाएगी। इतना सोचकर मिहिर ने अपनी कार विला की तरफ मोड़ ली और मिहिर काफी ज्यादा खुश है और वो आलिया से बात करने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। मिहिर आराम से ड्राइविंग करता हुआ जा रहा है। वहां सड़क पर ज्यादा कारें नहीं है, लेकिन तभी सामने से एक बड़ी ब्लैक कलर की एसयूवी कार अचानक से मिहिर के सामने आ जाती है। उस कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। मिहिर उस कार को नोटिस कर लेता है और अपनी कार को ब्रेक लगाता है, लेकिन फिर भी वो एसयूवी कार मिहिर की कार से आकर टकरा जाती है। मिहिर की कार जैसे ही उस कार से टकराई, मिहिर को एक जोरदार झटका महसूस हुआ, लेकिन मिहिर की कार बहुत मजबूत है इसलिए मिहिर को जरा सी भी चोट नहीं लगी। जैसे ही मिहिर को सब समझ में आया, मिहिर तुरंत अपनी कार से बाहर निकला और सामने हुई कार की टक्कर से कार में बैठे उस आदमी को देखने के लिए उसकी तरफ जाने लगा कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। मिहिर उसकी तरफ जाने लगा कि तभी मिहिर की नजर उस कार के बम्पर पर पड़ी जो उसकी कार से टकराया था, और उसका बम्पर टूटकर अलग जमीन पर गिरा हुआ है। मिहिर ने उस कार की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, इतनी खाली सड़क पर इतनी तेज स्पीड में चल के आना और मेरी कार को टक्कर मारना, मुझे नहीं लगता कि यह कोई एक्सीडेंट है। जिस तरह से कार मेरे सामने आ रही थी, वो भी इतनी फुल स्पीड में, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। मिहिर इस बारे में सोच ही रहा है कि तभी सामने से एक और कार तेजी से चलती हुई आती है और उसकी हेडलाइट की लाइट मिहिर की आंखों में पड़ती है। मिहिर की आंखों में जैसे ही वो लाइट पड़ी, मिहिर ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मिहिर को सब कुछ समझ में आ गया कि फिर से कोई दूसरी कार है जो उसे टक्कर मारने वाली है। मिहिर भागकर वापस अपनी कार के अंदर बैठ गया और उसने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की। और मिहिर ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, ओ गॉड, इन लोगों का मैं क्या करूं? जब भी मैं थोड़ा खुश होता हूं, कोई ना कोई सीधा मेरे पीछे पड़ जाता है। पता नहीं कौन है ये लोग जो मेरा एक्सीडेंट करने पर तुले हुए हैं। मिहिर ने इतना सोचकर अपनी कार को ड्राइव करना कंटिन्यू किया। मिहिर ने देखा कि दो कारें और आ रही हैं और वो भी मिहिर का पीछा करने लगी। मिहिर ने उन सभी कार्स को देखकर अपने मन में कहा, दिस इज नॉट फेयर। एक आदमी के एक्सीडेंट के लिए इतने सारे लोग, इन्हें तो लग रहा है सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मिहिर ने अपने माइंड में इस बात को तय कर लिया कि अब वो इन सभी हमला करने वाले लोगों को सबक सिखा कर रहेगा। मिहिर ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई। मिहिर को इस तरह से कार की स्पीड बढ़ाता देखकर उन लोगों ने भी अपनी कार की स्पीड को बढ़ा लिया और एक जोरदार टक्कर मिहिर की कार में मारी। मिहिर ने अपनी सीट बेल्ट को कस लिया और मिहिर को एक जोर का झटका लगा और मिहिर ने उस कार की तरफ देखा जिस तरफ से मिहिर को टक्कर लगी थी। मिहिर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मिहिर ने अपनी कार की स्टीयरिंग को घुमाया और अपनी कार की टक्कर उसी कार में मारी।
मिहिर की मजबूत कार जैसे ही उस कार पर टकराई, उस कार की धज्जियां उड़ गईं और वो कार चकनाचूर हो गई। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कार तो गई, अब इन दोनों की बारी है। मिहिर ने उन दोनों कारों को देखा जो दोनों काफी स्पीड में आ रही हैं। तभी मिहिर ने अपनी कार की स्पीड स्लो कर ली और वो दोनों कार आपस में भिड़ने ही वाली हैं कि तभी अचानक से उन दोनों ने ब्रेक मारा और जब उनकी हाई स्पीड वाली कार में ब्रेक लगा तो उन्हें कार को संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और मिहिर ने उसी मौके का फायदा उठाया और अपने सामने वाली कार को एक जोरदार टक्कर मारी और कार की स्पीड बढ़ाकर मिहिर तुरंत वहां से बचकर निकल गया। कुछ ही देर में मिहिर की कार उन दोनों गुंडों की कार से काफी दूर निकल गई और मिहिर कुछ ही देर में उन दोनों गुंडों की आंखों से ओझल हो गया। मिहिर जब अपने जुहू वाले विला में पहुंचा, उसने कार से बाहर निकलकर अपनी कार पर एक नजर डाली। कार के स्क्रैच को छूते हुए मिहिर ने कहा, वैसे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसे मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही। आई थिंक कल सुबह ही मुझे इसे ठीक करने के लिए देने जाना पड़ेगा। मिहिर अपनी कार पार्क करके सीधा विला के अंदर आया और उसने देखा कि बाहर ड्राइंग रूम में आलिया सोफे पर टेक लगाकर लेटी हुई है, जिसे देखकर यह साफ पता चल रहा है कि आलिया मिहिर का वेट करते करते सो गई है। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।